www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع. इस सूरत का नाम सूरतुल मआरिज है। हिजरत से पहले उतरने वाली सूरतों में से हैं। इसमें 44 आयतें हैं। सूरतुल हाक्का के बाद सूरे अम्मा यतसालून से पहले 78 नंबर के ऊपर नाजिल हुई है। इस सूरत में अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह के दर्जात ऊंचे ऊंचे बुलंद बयान किए गए हैं कि अल्लाह बड़े फजीलत वाले बड़े बुलंदियों वाले हैं। ऐसे मआरिज का मतलब आगे डिटेल में इंशाल्लाह बतलाएंगे। लिल काफिरीन लैस लह, एक मांगने वाले ने वो अजाब मांगा है। लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़, जो काफिरों पर आने ही वाला है उस अजाब को कोई हटाने वाला नहीं है। यानी एक मांगने वाले ने ऐसा अजाब मांगा जो यकीनन आके रहेगा, काफिरों के ऊपर से उस अजाब को कोई रोकने वाला नहीं है। मिनल्लाही दिल मआरिज, वो अजाब उस अल्लाह की तरफ से आएगा जो चढ़ने के रास्तों यानी आसमानों के मालिक है, जो सीढ़ियों के यानी आसमानों के मालिक है, जो बुलंद दर्जात वाले हैं। تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ, فرشتے اور روح اس اللہ کی طرف اس دن میں چڑھتے ہوں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ دوسرا ترجمہ, جن سیڑھیوں سے فرشتے اور ایمان والوں کی روح उसके पास चढ़कर जाती है, वो अजाब उस दिन में वाके होगा जिस दिन की मकदार और गिनती 50,000 साल की है। फौसबिर सबरन जमीला, लिहाजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खूबसूरती के साथ सब्र करते जाओ। तो हुजूर को इसके अंदर हुक्म दिया गया कि अच्छी तरीके से तुम सब्र करते जाओ, यानी ऐसा सब्र करो जिसके अंदर कोई शिकायत न हो, जिसके अंदर कोई फरियाद न हो, और बहुत इत्मीनान के साथ आप काफिरों की बात के ऊपर सब्र करते जाओ। बाज़ मरतबा आदमी तकलीफ की वजह से सजा और मुसीबत को जल्दी मांगता है,
तो सब्र जमील यानी के दुश्मन के ऊपर कोई जल्दी तकलीफ ना आवे। बाज मरतबा आदमी रंज और गम में हो जाता है, तो ऐसा सब्र करो कि जिसमें रंज और गम न हो। बाज मरतबा दिल घबरा जाता है, तो ऐसा सब्र करो कि जिसके अंदर दिल घबरा न जावे। अब जरा पहले समझते हैं कि सूरतुल मआरिज जो इसका नाम रखा गया तो इसका क्या मीनिंग है। और आगे आयत में है मिनल्लाहि दिल मआरिज, तो ये लफ्ज सीढ़ी से निकला है। सीढ़ी दादर जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसी से है ये मआरिज। तो मिनल्लाहि ज़िल मआरिज का एक मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला के ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, और ये ऊंचे ऊंचे दर्जे का एक मीनिंग सात आसमान है कि अल्लाह ताला सात आसमानों के मालिक है। दूसरा मीनिंग, अल्लाह ताला बहुत बड़ी अजमत वाले हैं, बहुत बड़े फजाइल वाले हैं, बड़े ऊंचाइयों वाले हैं। ये भी एक मतलब निकलता है। एक मतलब ये है कि फरिश्ते और ईमान वालों की रूह मौत के बाद, फरिश्ते तो जिंदगी में और ईमान वालों की रूह हमारी रूह मौत के बाद दर्जा दर्जा धीमे 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 ऊपर जाती है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चलते चलते अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। तो ये जो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में चढ़ते हैं, ईमान वालों की रूह जो अल्लाह के दरबार में चढ़ के जाती है, ये है ज़िल मआरिज। एक और मतलब ये है कि अल्लाह के बंदे ईमान वाले अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए दिलो जान से कोशिश करते हैं, अच्छे अखलाक वाले हो जाते हैं और अल्लाह की नज़दीक पहुंच जाते हैं, और रूहानी मर्तबे रूहानी दर्जे अल्लाह के करीब के पा लेते हैं और अल्लाह की हुजूरी में हाजिर पहुंच जाते हैं। गोया के ईमान वाले अपने आमाल और अखलाक के जरिए से अल्लाह के दरबार के अंदर जो तरक्की करके चढ़ के आगे बढ़ के जो बिल्कुल नजदीकी का मकाम हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। और एक मतलब ये भी है कि फरिश्ते आसमान पर चढ़ते हैं तो फरिश्तों के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ रास्ते बनाए गए हैं, उस रास्तों के जरिए से फरिश्ते आसमान के ऊपर चढ़ते हैं, तो उन रास्तों को कहा जाता है मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। इस सूरत के अंदर मक्का के काफिरों के लिए अजाब का तस्किरा है कि ये काफिर लोग अजाब को जल्दी जल्दी मांगते हैं, अजाब को आसान समझते हैं, अजाब को खेल समझते हैं, अजाब को मजाक समझते हैं और उसको कहते हैं भाई अजाब जल्दी लाओ, अजाब जल्दी लाओ। कैसे हैं ये डेंजर किस्म के लोग, क्या अजाब को खेल समझते हैं कि जल्दी मांगते हैं। ये जो मुबारक सूरत अल्लाह ताला ने उतारी तो उसका शान नुजूल और सबब ये बयान करते हैं कि मक्का में एक खतरनाक आदमी था मशहूर अबू जहल,
اور دوسرا خطرناک سردار نضر ابن حارث تھا. دونوں سردار تھے, لیڈر تھے مکہ کے, اور لیڈرشپ کی وجہ سے ان کے دماغ میں تکبر بھرا ہوا تھا, بڑائی بھری ہوئی تھی اور بڑائی میں مست تھے. دونوں ایک دن کعبہ شریف کے پاس آئے اور کعبہ کے پاس آ کر کعبہ کے پردے پکڑے اپنے ہاتھ سے اور یوں کہا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے اور ہم تو اس دین کو جھوٹا مانتے ہیں اور وہ حقیقت میں سچا ہے, تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برساؤ, کوئی دوسرا عذاب اتارو یا آسمان کا ایک ٹکڑا گراؤ تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو جاوے. کیسے بے وقوف اور نادان قسم کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو حضور کو بہت رنج اور غم ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضور کا رنج اور غم دور کرنے کے لیے یہ سورت آسمان سے اتاری. یہ نضر ابن حارث اور ابو جہل دونوں کو اللہ کی طرف سے عذاب کے اندر پکڑ لیا گیا. دونوں نے اپنے منہ سے عذاب مانگا اور اللہ تعالی نے دونوں کو عذاب دیا. بدر کی جب لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی کے اندر اللہ کے عذاب نے ان دونوں کو آ کر کے ختم کر دیا, دونوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اسی لیے بھائی, اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی منہ سے نہیں مانگنے کا, ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے بھیج کے پکڑ لیتے ہیں, ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی, میری, تمام انسانوں کی اپنے عذاب سے حفاظت فرماوے. اسی لیے نضر ابن حارث کو کہا گیا سأل سائل, مانگا. یہ سوال عربی میں ایک پوچھنے کے معنی میں آتا ہے, انکوائری, اور ایک مانگنے کے لیے اور طلب کرنے کے لیے. یہاں یہی مانگنے کا معنی بہت اچھا رہے گا کہ ایک آدمی نے مانگا. اب یہ مانگنے والا اتنا ڈینجر آدمی کہ جو اللہ کا عذاب مانگے, ایسے ڈینجر آدمی کا نام قرآن میں نہیں لیا جاوے. اسی لیے صرف اتنا کہا ایک مانگنے والے نے مانگا, ایسے ڈینجر آدمی کا نام قرآن میں نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ظالم نے اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کی کہ اللہ سے عذاب مانگتا ہے, لہذا اللہ کا مبارک نام یہاں نہیں لیا گیا کہ جو ظالم گستاخ ادب نہیں سمجھتا اور اللہ سے عذاب مانگتا ہے, تو ایسے مانگنے والے کی بات جب نقل کی جاوے تو اللہ تعالی کا مبارک نام یہاں پر نہ لیا جاوے. بی عذاب, یہ عذاب نکیرا ہے اور اس سے عظمت اور بڑائی بھی مراد لی جا سکتی ہے. یعنی یہ عذاب مانگنے والا اتنے بڑے عذاب کو, قیامت کے عذاب کو, جہنم کے عذاب کو جان بوجھ کے مانگ رہا ہے, کیسا خطرناک آدمی ہے. یا یہ کہ حقارت مراد لو کہ اس ظالم نے اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھا اور حقیر اور معمولی سمجھ کر کے
ये जालिम अल्लाह का अजाब मांग रहा है, तो अल्लाह का अजाब मामूली भी नहीं है कि तुम उसको मामूली समझ के मांगो, या ये कि अल्लाह ताला का अजाब इतना बड़ा है फिर तुम क्यों इसको मामूली समझ करके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती अजाब मांगने में? इस तरीके से इनको डांट डपट भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, काफिरों के ऊपर कयामत के दिन अजाब आके रहेगा, अल्लाह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब मआरिज के बारे में मैंने कुछ बातें अभी बतलाई, अभी और डिटेल में मआरिज को समझो। ये अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फरिश्तों को बहुत सारे काम सौंप के रखे हैं। जब उनकी ड्यूटी और उनके काम पूरे हो जाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब ये फरिश्ते कितने दिन के बाद अल्लाह के दरबार में जाते हैं, तो जिस फरिश्ते का जितना काम, जितनी ड्यूटी, जितनी जिम्मेदारी, जितनी जवाबदारी, उसके हिसाब से वो अल्लाह के दरबार में जाते हैं। और दूसरा ये है कि इस आलम में, इस दुनिया के अंदर अलग 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 काम है, उसके हिसाब से फरिश्तों का जाना आना रहता है। जैसे एक बार, एक मरतबा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल हुजूर ने जिब्राइल से पूछा कि भाई, जैसे पहले मैंने हदीस सुनाई थी कि पूरी जमीन में, दुनिया में कौन सी जगह अल्लाह को बहुत पसंद है, तो जिब्राइल एक सेकंड के अंदर अल्लाह के दरबार में गए और पूछ के आ गए। तो देखो, जिब्राइल हुजूर के पास है और जिब्राइल हवा में उड़ के आसमानों पे चढ़ के अल्लाह के दरबार में गए, एक सेकंड तो बहुत है, पलक झपकने में गए और आ गए। तो इस तरह भी फरिश्तों का जाना आता है, पलक झपकने में, सेकंड में गए, सेकंड में आ गए। दूसरी बात, बाज मरतबा ये फरिश्तों का जाना आना एक दिन में होता है। जैसे जो फरिश्ते हमारे आमाल लिखने वाले हैं तो उनकी दो टीम है, रात के फरिश्ते फजर की नमाज के बाद आसमान पर चले जाते हैं, रात की ड्यूटी वाले फरिश्ते, और दिन की ड्यूटी वाले फरिश्ते फजर के वक्त पर आ जाते हैं। फिर जब असर का वक्त होता है तो दिन की ड्यूटी वाले चले जाएंगे और रात पाली वाले फरिश्ते आ जाएंगे। तो ये फरिश्ते जो आसमान पर अल्लाह के दरबार में जाते आते हैं, तो इनका जाना आना, चढ़ना उतरना एक दिन एक रात में भी हुआ करता है। तीसरा मतलब समझो, बास फरिश्ते तीन तीन दिन के बाद, चार चार दिन के बाद अल्लाह के दरबार में जाते हैं, चढ़ते हैं, पहुंचते हैं। जैसे हर जुमेरात और सोमवार के दिन, पीर के दिन, इंसानों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं, रजुआत होती है आमाल की। तो अब ये फरिश्ते जो आमाल को पेश करने वाले, रजू करने वाले, वो अल्लाह के दरबार में तीन चार दिन के अंदर चढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं। चौथे नंबर पर समझो, बहुत सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने रोजी रोटी पर रखा है और इंसान को रोजी रोटी पहुंचाने की जवाबदारी के ऊपर रखा है,
तो ये फरिश्ते साल में एक मर्तबा उनका काम चढ़ने का होता है कि साल में एक मर्तबा अल्लाह के दरबार में चढ़ के गए और वहां से अल्लाह के यहां से पूरे साल की तरतीब ली और पूरे साल की तरतीब लेकर के वो आ जाते हैं। अजीब पांचवी बात समझो, बास फरिश्ते जिनको अल्लाह ने हुकूमत पर मुकर्रर किया है कि दुनिया में किसी खानदान की किसी इंसान की हुकूमत चल रही है उसके ऊपर अल्लाह ने लगाया है, इसी तरीके से किसी नबी के साथ है किसी उम्मत के साथ है, तो उनका जाना आना कई कई बरस में होता है, बहुत सालों में होता है। जैसे कि किसी खानदान की हुकूमत का जमाना 100 साल, तो वो फरिश्ते 100 साल के बाद अल्लाह के दरबार में जाते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद। तो हर एक फरिश्तों का अल्लाह के दरबार में जाना आना उसके अलग अलग टाइम अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रर है। ये खुदा का अजीब व गरीब एक निजाम है। तो फरिश्ते जो अल्लाह के दरबार में चढ़ते हैं जाते हैं आते हैं उन सब के लिए अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि बाज लोग बुजुर्गों की खिदमत में साल में एक मर्तबा रमजान में, बाज लोग हर महीने महाना मजलिस में, बाज लोग हर हफ्ते शनिवार की पीर की सोमवार की मजलिस में, बाज लोग रोजाना आते जाते हैं। हर एक का अलग अलग एक निजाम है, सिस्टम है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई कि कयामत के दिन की शुरुआत वहां से लेकर जन्नती लोग जो जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जो जहन्नम में चले जाएंगे ये टोटल टाइम 50,000 बरस का होगा। अजीब, कयामत का दिन शुरू हुआ जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नम में, ये टोटल टाइम कितना 50,000 बरस का होगा। अल्लाहु अकबर, कितना अजीबो गरीब मामला हो गया। अब देखो कयामत के मुतालिक अजीब अजीब बातें हदीस में आई, कुरान में आई, कहीं पर तो आया 50,000 साल का दिन, कहीं तो आया 1,000 साल का दिन। तो समझ लो काफिर लोग और उसमें भी डेंजर काफिर लोग, उनको कयामत का दिन 50,000 साल जितना लंबा लगेगा, उनको ऐसी तकलीफ होगी ऐसी परेशानी होगी ऐसी उलझन होगी कि उनको कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा और बास काफिरों को कयामत का दिन 1,000 साल के बराबर लगेगा और ईमान वालों को कयामत का दिन कितना लंबा लगेगा, जितना जोहर और असर के बीच में टाइम होता है ईमान वालों को इतना मालूम होगा, जितना जोहर और असर के बीच का टाइम होता है इतना कयामत का दिन मालूम होगा। और ईमान वालों की एक जमात ऐसी होगी कि जिनको कयामत का दिन एक फर्ज नमाज पढ़ने जितना लगेगा, यानी ईमान वालों को कयामत के दिन की तकलीफ परेशान नहीं करेगी, जितना जोहर और असर के बीच का टाइम या जितना एक फर्ज नमाज का टाइम इतना मालूम होगा। और समझो कि 50,000 साल का दिन 1,000 साल का दिन, उसको एक दिन कहा कुरान में, वो बदले के एतबार से है कि इतना लंबा चौड़ा दिन लेकिन उसमें एक ही काम होगा। कौन सा काम? बदला देने का, कि ईमान वालों को अच्छा बदला नाफरमानों को बुरा बदला, इसीलिए उसको एक दिन कहा गया।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपके सामने पांचवें नंबर की बात कि बाज कौम बाज बादशाह की हुकूमत वगैरह के एतबार से फरिश्ते हजार हजार साल के अंदर भी जाते हैं अल्लाह के दरबार में और उसकी तरफ बारीक इशारा निकलता है। ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ جو فرشتے آئے ہوں گے وہ ایک ہزار سال دنیا میں رہے ہوں گے نہیں کیوں اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تو تبلیغ کی ने 40 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको नबी बनाया होगा तो 1000 साल हो गए तो वो फरिश्ते जो नूह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के साथ दुनिया में आए वो तकरीबन 1000 साल के बाद अल्लाह के दरबार के अंदर चढ़ करके गए। बास तफसीरों में एक अजीब बात लिखी है वो मैं आपको गिना बताऊं। जब से ये जगत जब से ये दुनिया शुरू हुई पैदा की गई अल्लाह ने पैदा की वहां से लेकर कयामत तक का टाइम 50,000 बरस का है और फरिश्ते और रूह जो इस जगत और दुनिया और धरती के अंदर इंतजाम में लगे हैं व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं वो अपने कामों से फारिग होंगे उनका काम पूरा होगा कब 50,000 साल के ऊपर। सुभान अल्लाह कैसा अजीब निजाम। गोया कि इनका ये कहना है कि दुनिया की टोटल जिंदगी 50,000 साल की और अब तक कितने साल हो गए किसी को मालूम नहीं है इसीलिए कितना बाकी है वो भी किसी को मालूम नहीं है। ये भी एक तफसीर की रिवायत है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो इस जगत की उम्र चलो मान लो एक कॉल के मुताबिक 50,000 साल है तो जिन फरिश्तों को व्यवस्था इंतजाम का काम सौंपा गया वो तो 50,000 साल पूरे करके अल्लाह के दरबार में जाएंगे। अब इनकी ड्यूटी पूरी हो गई और अब दूसरी ड्यूटी चालू हुई किसकी जो फरिश्ते आखिरत का काम करेंगे कयामत के बाद का काम करेंगे उन फरिश्तों की ड्यूटी शुरू हुई। अजीबो गरीब जिंदगी। अब देखो सूरतु सजदा के अंदर यूं कहा गया कि सुम्म यारुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तअद्दून तो इसमें कहते हैं कि दुनिया के आसमान से जमीन पर यानी ये जो आसमान हमको दिखता है वहां से जमीन के ऊपर आने में 1000 साल है। गोया के अगर कोई इंसान चढ़ने की कोशिश करता तो 1000 बरस उसको लग जाते आसमान के ऊपर जाने तक में। तो वो तदबीर वो प्लानिंग जो आसमान से जमीन के ऊपर आती है उसको 1000 साल लग जाते हैं और सूरतुल मारिज के अंदर जो बयान किया गया इस सूरत में 50,000 साल की बात तो वो अल्लाह के अर्श से लेकर जमीन के बिल्कुल नीचे तक पहुंचने का टाइम बयान किया गया कि अल्लाह के अर्श से लेकर जमीन के नीचे तक पहुंचने में 50,000 साल का टाइम लग जाता है। अजीब पहले आसमान से जमीन 1000 साल और अल्लाह के अर्श से जमीन के नीचे 50,000 साल। ओहो कितना लंबा फासला कितनी दूरी। अजीबो गरीब अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। बाज मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है के मिनल्लाही जिल मआरिज जैसे मैंने आपको बतलाया
कि इंसान अच्छे अखलाक अच्छे आमाल के जरिए तरक्की करता है, चढ़ता है, अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नज़दीक पहुंचता है। तो ये दर्जात और अल्लाह के नज़दीक पहुंचने का टाइम अलग अलग है। बाज इंसान एक पलक में एक सेकंड के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाते हैं, जैसे एक काफिर आज तक कुफ्र की जिंदगी के अंदर रहा और उसने इखलास के साथ पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक सेकंड में दिलो जान से जुबान से कलमा पढ़ा और इतना ऊंचा दर्जा चढ़ जाता है, इतना ऊंचा दर्जा चढ़ जाता है कि पलक झपकने में अल्लाह के नजदीक पहुंच जाता है। नंबर दो, बाज लोग अल्लाह का दर्जा कुछ मिनटों में करीब पहुंचते हैं अल्लाह के, जैसे कि नमाज, कि भाई हम नमाज पढ़ने गए, आधा घंटा लगा, 15 मिनट लगी 20 मिनट लगी, इतनी मिनट में नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के दरबार में चढ़ के करीब हो गए हम रूहानी तौर पर। नंबर तीन, कभी कभी अल्लाह के करीब पहुंचने में और रूहानी तरक्की में एक दिन लगता है, जैसे कि रमजान का रोजा सुबह सादिक से शुरू हुआ, मगरिब के ऊपर पूरा हुआ, एक दिन का रोजा रखा और बंदा अल्लाह के नजदीक के दर्जे पर पहुंच गया। कभी कभी इस नजदीकी के हासिल करने में महीना लगता है, जैसे कि पूरे रमजान के मुबारक महीने के रोजे तो 30 दिन लग गए, अल्लाह का फरीजा रमजान का रोजा रख कर के अल्लाह के नजदीक पहुंचने में महीना लग गया। और कभी कभी साल लग जाता है, जैसे कि एक आदमी ने हज की नियत की तो हज एक साल लगेगा और साल भर में हज होगा और हज के जरिए अल्लाह की नजदीकी और तरक्की करके उसके दरबार में करीब पहुंच जाएगा। तो इंसान को नेक आमाल नेक अखलाक अच्छे कामों के जरिए अल्लाह के दरबार में पहुंचने में कभी सेकंड लगती है, कभी मिनटें लगती है, कभी एक दिन लगता है, कभी महीना लगता है, कभी साल लगता है और कभी बरसों के बरस लग जाते हैं। सबके अलग अलग तरक्की के मदार और रास्ते हैं। अल्लाह हमें अपनी नजदीकी अपने कर्म से अता फरमावे। अब दो तरह की ड्यूटी करने वाले फरिश्ते, एक तो फरिश्तों की वो जमात जिनको अल्लाह ने दुनिया की ड्यूटी दी, जमीन की ड्यूटी, आसमान की ड्यूटी, बारिश की ड्यूटी, खेती बाड़ी की ड्यूटी, ये सारा काम व्यवस्था का अल्लाह ने इनको सौंपा, इनका काम कयामत के दिन पूरा हो जाएगा। अब दूसरी टीम का काम शुरू हुआ, वो दूसरे फरिश्ते कौन से, आखिरत का काम करने वाले, कि अब वो फरिश्ते काम करेंगे जो इंसानों को कयामत के मैदान में जमा करेंगे, जो इंसानों के आमाल को तराजू में तोलेंगे, जो फरिश्ते इंसानों को किसी को दाहिने हाथ में किसी को बाएं हाथ में आमाल नामे देंगे, वो फरिश्ते जो पुल सिरात पार कराने के लिए होंगे, वो फरिश्ते जो काफिरों को जहन्नम में ले जाने के लिए होंगे, और वो फरिश्ते जो जन्नत में जन्नतियों की खिदमत के लिए होंगे, और वो फरिश्ते जो जहन्नम में काफिरों को सजा देने के लिए होंगे। बस अलग अलग ड्यूटियां दुनिया में फरिश्तों की है, अलग अलग ड्यूटियां आखिरत के अंदर फरिश्तों की है। अजीब, हर तरह की ड्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों की तकसीम है। अब ये काफिर लोग अल्लाह के अजाब को मानते नहीं, अल्लाह के अजाब का इनकार करते हैं, सुबहान अल्लाह, और फिर ऊपर से दादागिरी से यूं कहते हैं कि अजाब जल्दी लाओ जल्दी लाओ,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ कि अल्लाह ने फरमाया फसबिर सबरन जमीला, ए नबी सबर करो, इन जालिमों की बातों पे ध्यान मत दो, इन काफिरों की बात पर ध्यान मत दो, इसलिए कि इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो लोग काफिर लोग अजाब के दिन को बहुत दूर समझते हैं, वो समझते हैं कि अजाब जल्दी आने वाला नहीं है, हालांकि वनराहु करीबा, हम तो उसको बिल्कुल करीब और नजदीक देख रहे हैं, इधर मरे और इधर अजाब चालू। तो अजाब का आना, अजाब का टाइम कोई दूर नहीं है, बहुत जल्दी है, मरते ही अजाब चालू हो जाएगा। आगे फरमाया यौम तकूनु समाउ कल मुहल, उस कयामत के दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। वो अजाब कयामत के दिन होगा जब आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, या यूं तर्जुमा करो तेल की तलछट की तरह हो जाएगा, तेल के डब्बे में तेल के बर्तन में से तेल निकल जावे तो नीचे है ना थोड़ा लाल लाल कचरा रह जाता है, वो है तलछट, उसको उर्दू में कहते हैं तेल के नीचे का कचरा। तो कयामत के दिन आग ऐसी होगी, आग कि आसमान लाल 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 होगा, और सूर का आवाज इतना डेंजर होगा कि आसमान लाल लाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वतकूनुल जिबालु कल इहना, और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। देखो दुनिया के अंदर अलग अलग कलर के पहाड़ है, कोई सफेद, कोई काला, कोई लाल, अलग अलग पहाड़ है। तो कयामत के दिन ये पहाड़ कैसे हो जाएंगे, ऊन ऊन की तरह। ऊन ये जानवर पर जो होता है वो ऊन, घेटे पर ऊन होता है, दुम्बे पर ऊन होता है, फिर ऊनी कपड़े बनते हैं वो ऊन। और पहले क्या होता था कि रू कपास, हम अपने घर में गोदड़े गादले बनवाते थे, तो वो गोदड़े गादले बनाने वाले आवे ने तो एक पहले एक लंबा हाथ से रू को साफ करने वाला मशीन लेके आते थे, हाथ से करते थे, उसमें एक लंबा तार होता था, उसको रू के डगले में रखकर उस पर डंडा मारते थे छोटा, तो रू उड़ती है। अब मशीन में उड़ाने तो रू जो उड़ती है तो कैसी झीणी झीणी बारीक 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 हवा में उड़ती है। बस कयामत के दिन पहाड़ इस तरीके से हो जाएंगे, झीणी झीणी बारीक बारीक रू ऊन हवा में उड़ती है, इस तरह ये पहाड़ हो जाएंगे। पहाड़ जैसी भारी चीज ऐसी हो जाएगी तो दूसरी चीजों का क्या हाल होगा। और अलग अलग रंग के पहाड़, इसलिए अलग अलग रू ऊन की तरह ये मालूम होंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई जिगरी दोस्त किसी दोस्त को पूछेगा भी नहीं। हर एक मुसीबत में होंगे, हर एक तकलीफ में होंगे, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा हाउ आर यू, तू कैसा है, क्या तेरा हाल है, कैफल हाल, कैम छो, कोई किसी को नहीं पूछेगा। ऐसा कयामत का दिन होगा, जिगरी दोस्त नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, वो एक दूसरे को देखते होंगे लेकिन मुसीबत ऐसी होगी कि कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमिदिन बिबनी, मुजरिम लोग गुनेगार लोग चाहेंगे कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए, छुटकारा हासिल करने के लिए बदले में दे देवे, बदले में दे देवे। वाह रे वाह, इंसान बहुत गरज मतलबी है, याद रखना है भाई, बहुत गरज मतलबी है आदमी।
खुद पर मुसीबत आती है नहीं तो क्या सोचता है दूसरे को फंसा देवे और खुद निकल जावे। इसको हमारी गुजराती में कहते हैं दूसरे को बलि का बकरा बना देवे। तो ये इंसान कयामत के दिन भी ऐसे धंधे करने की कोशिश करेगा, हाँ वहां भी ऐसे धंधे करेगा कि खुद अजाब में फंसेगा तो दूसरे को बलि का बकरा बनाने की ट्राई मारेगा, कोशिश करेगा। किसको किसको का मैं अजाब में जाऊं जहन्नम में जाऊं, नहीं 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 मेरी जगह दूसरे को ले जाओ। किसको ले जाओ दूसरे को, लव यफ्तदी मिन अजाब यौम इज़िम बिबनी, मेरे लड़कों को ले जाओ मेरे छोकरों को ले जाओ मुझे छोड़ दो। हाँ व साहिबती ही व अखी, और अपनी बीवी को और अपने भाई को, व फसीलती हिल्लती तुवी, और अपने घराने को खानदान को जिसमें वो रहता था। अरे आगे व मन फिल अर्दी जमीअन थुम्मा युंजी, और जमीन के तमाम रहने वाले को फिदिये में बदले में दे डाले और खुद बच जावे। अजीब इंसान, अजीब गरज मतलब इंसान है भाई। क्या चाहेगा कि मेरे बच्चे को पकड़ के ले जाओ, मेरी बीवी को ले जाओ, मेरे भाई को ले जाओ, मेरी फैमिली को ले जाओ, अरे पूरी दुनिया के इंसानों को जहन्नम में डालो और मुझे छोड़ दो, ये कहेगा इंसान। लेकिन वहां किसी की चलेगी थोड़ी, वहां तो हरेक को अपनी सजा के अंदर जहन्नम की आग के अंदर जाना है। एक इल्मी बात समझ लो, सूर्य अबास वतवल्ला में भी ऐसी एक तरतीब है, यहां भी ऐसी एक तरतीब है। वहां सूर्य अबास वतवल्ला की तफसीर में आपने सुना था कि भागने का बयान है कि इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, और भागने के अंदर जो है जो तरतीब है कि जिससे मोहब्बत कम होती आदमी पहले उसको छोड़ के भागता है, और जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसको अखीर में छोड़ता है, इसलिए वहां वो तरतीब बयान की गई है। और यहां बदला लेने देने की तरतीब बयान की गई, इसलिए जो अपना ज्यादा ताबेदार हो, जो ज्यादा अपनी बात मानने वाला हो, पहले आदमी उसको बदले में देने की कोशिश करता है। अरे इंसान तू कितना गरज मतलबी है कि कयामत के दिन यूं सोचेगा कि सब जहन्नम में जावे और मैं बच जाऊं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। हरेक को खुद जहन्नम की आग में जलना और अपनी सजा को, अपने गुनाह की सजा को भुगतना है। अल्लाह उस दिन की तकलीफ से, रुसवाई से, जिल्लती से मेरी और आपकी हिफाजत फरमावे। जहन्नम की आग कैसी होगी, कल्ला इन्नहा लज़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दूसरे को फंसा के आदमी बच जावे। जहन्नम तो एक भड़कती हुई आग है, आग भड़कती हुई। और देखो भाई, जहन्नम की आग जो है ना, उसके अंदर कोई समझ और शुऊर नहीं है आम वक्त में। दुनिया में जिसके अंदर समझ होती है वो बदला लेकर दूसरे को छोड़ देता है, लेकिन जहन्नम की आग में कोई समझ थोड़ी है कि वो दूसरे को पकड़ के तीसरे को पहले को छोड़ देवे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो खतरनाक आग है। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा, जहन्नम की आग तो खाल खींचने वाली होगी, खाल को खींच डालेगी। देखो एकदम दिल पर नहीं जाएगी, ताकि आदमी बराबर समझे बूझे कि देखो मेरा भाई भी आया आग में, मेरी बीवी भी आग में आई, मेरा दोस्त भी आया, जितने गंदे गुंडे थे, जितने डेंजर खतरनाक थे, सब आए। फिर एक वक्त आएगा कि दिल भी जलेगा, ऐसी खतरनाक आग है भाई, अल्लाह बचावे। तदउ मन अदबर वतवल्ला, वो हर उस इंसान को आग आवाज देगी जिसने ईमान से पीठ फिरा ली और मुंह फिरा कर चला गया, यानी दुनिया में ईमान नहीं लाया और ईमान कबूल करने से इनकार कर दिया, नबी की बात नहीं मानी,
ऐसे सब को जहन्नम की आग आवाज लगाएगी। कैसे आवाज लगाएगी? इलैया या काफिर, इलैया या मुनाफिक, इलैया या जामे अलमाल। ए काफिर मेरे में आ, ए मुनाफिक मेरे में आ, ए माल को गलत तरीके से जमा करने वाले मेरे अंदर आ जा। इस तरह जहन्नम की आग खुद आवाज लगाएगी। वह जमा फाउ आ, और जिसने माल को जमा किया और संभाल संभाल के रखा, यानी जो माल जमा करता है, माल कमाना और जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो माल जमा करे और जमा करने के अंदर हलाल हराम मुश्तबे डाउट फुल कुछ नहीं देखे, बस आने दो, पैसा आने दो, माल आने दो, ये जो हराम हलाल डाउट फुल कुछ नहीं देखता, सबको जमा करता है, और जमा करने के बाद जकात नहीं देता, सदकतुल फितर नहीं देता, कुर्बानी नहीं करता, हज नहीं करता, अल्लाह के बंदों का हक अदा नहीं करता, नौकरों को पगार नहीं देता, गुलाम और नौकरों को खिलाता नहीं है, रिश्तेदारों को मीरास का हक नहीं देता है, इस तरह के लोगों को जहन्नम की आग आवाज दे दे करके बुलाएगी। अल्लाह मेरी और आपकी उस आग से हिफाजत फरमावे, और अल्लाह हम सब को आखिरत और जहन्नम और कब्र के अजाब से डरने की तौफीक देवे, और अच्छे आमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमावे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।